Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your own YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान की नेवी के ऊपर वीडियो कि नेवी फोर्स जो है बेसिकली ये किस लेवल तक स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज कंपैरिजन होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सी कंट्री ज्यादा आगे है और कौन ज्यादा स्ट्रांग है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम, ये इंडियन नेवी के वो ऑपरेशन है जो इनकी ताकत को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन नेवी की असली पावर के साथ पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन, और बोनस के तौर पर चीन और अमेरिका की नेवी की ताकत को भी आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के कंपैरिजन से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर इंडेक्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य ताकत में उतना ही अंतर है जितना घोड़े और गधे में। सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का स्थान 10वां है। जबकि दोनों देश के रक्षा बजट के बारे में वेबसाइट कहती है कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। भारत का रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पाकिस्तान का 1.37 लाख करोड़ रुपये है। इतना ही नहीं, भारत की हथियार खरीदने की क्षमता भी पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि नेवी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन नेवी के खेमे में 75,000 रिजर्व, 62,252 एक्टिव जवान के साथ साथ 300 एयरक्राफ्ट, 150 जहाज, 4 फ्लीट टैंकर्स, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल, 24 कॉर्वेट्स, 15 अटैक सबमरीन, 1 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 1 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई छोटे पेट्रोल बोट शामिल हैं, जिसे आप लोग आसान भाषा में INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, समर्थ, शूर, सारथी, शौनक के नाम से जानते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पास युद्धपोत के नाम पर सिर्फ 100 नकली जहाज हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और परमाणु पनडुब्बियां तो उसके पास एक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इतना बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि चीन उसे बचा लेगा, और इसी लालच में वो थोक के भाव में चीन से पनडुब्बियां खरीद रहा है। क्योंकि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिज़ाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की 8 पनडुब्बी खरीद रहा है, जिसमें एंटी-शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज़ पैदा करती है, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत तो ज़रूर बढ़ाएगी, लेकिन चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ज़रूर साबित होगी। इंडियन नेवी को आगे चलकर कोई भी मात ना दे सके, इसके लिए वह खुद को हमेशा अपडेट रखता है। और इसी सिलसिले में भारतीय नौसेना के लिए नए हथियार की तैयारी हो रही है, और कुछ टाइम बाद नौसैनिक पनडुब्बियों में ऐसे ड्रोन तैनात किए जाएंगे जो पानी से निकलकर दुश्मन के जहाज या ज़मीन पोस्ट को तबाह कर देंगे। ये सुसाइड ड्रोन्स होंगे, यानी ये खुद को ख़त्म करके दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, जिसे बनाने के लिए एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स बनाएगी। इसमें सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है, जिसमें से अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपनी सबमरीन्स में किल चेन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह की सतह और ज़मीनी टारगेट को ब्लास्ट करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई इंडियन नेवी की बात। अब देश दुनिया में किसकी नेवी किस रैंक पर है वो भी देख लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर जिस नेवी का नाम आता है वो है अमेरिका की नेवी। 27 मार्च 1794 में बनी अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है, और वर्जीनिया के अर्लिंगटन काउंटी में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिकी नौसेना अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काम करती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकती है। इसके खेमे में 3.4 लाख से ज़्यादा एक्टिव जवान हैं। 1.01 लाख रिजर्व सैनिक और 2.79 लाख सिविलियन कर्मचारी हैं। इनके पास 480 वॉरशिप्स हैं, 50,000 नॉर्मल पानी के जहाज, 290 युद्धक पोत, 3900 से ज्यादा मैंड एयरक्राफ्ट, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन, 10 हेलीकॉप्टर कैरियर और 13 पेट्रोल वेसल शामिल हैं। पूरी धरती पर चीन की नौसेना दूसरे नंबर पर आती है। 23 अप्रैल 1949 में बनाई गई प्लान यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर नौसेना में से एक है। इसके पास 3 लाख से ज्यादा एक्टिव स्टाफ, 594 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 537 से ज्यादा जहाज, 19 रिप्लेनिशमेंट शिप, 79 सबमरीन, 36 माइन काउंटर मेजर बोट, 17 गन बोट्स, 94 सबमरीन चेजर्स, 109 मिसाइल बोट्स, 72 कॉर्वेट्स, 49 फ्रिगेट्स, 50 डिस्ट्रॉयर, 22 लैंडिंग शिप मीडियम, 32 लैंडिंग शिप टैंक समेत कई और जहाज मौजूद हैं। इसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसी के साथ 3 फ्लीट हैं, द नॉर्थ सी फ्लीट, ईस्ट सी फ्लीट और साउथ सी फ्लीट, और ये सब मिलकर चीन की नेवी को बहुत ही ज़्यादा घातक बनाती है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर रूस की सेना है, फिर रॉयल नेवी इंग्लैंड, जापान मैरीटाइम सेल्फी डिफेंस फोर्स, फ्रांसीसी नौसेना और 8वें नंबर पर आती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। ये सेना परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और गुजरात के सेंटर एम्यूनेशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस पर काम करती है। इस लिस्ट में पाकिस्तान दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी डींगे तो ऐसे हाँकता है कि बस अभी बाहर आकर पूरी दुनिया जीत लेगा। लेकिन शायद वो ये भूल चुका है कि ये नया भारत घर में घुस के भी मार चुका है और ज़रूरत पड़ने पर घर पे कब्जा भी कर सकता है। और वहीं अब भारत सरकार संसद से लेकर सड़क तक भी ये बोल चुकी है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वो उसे भी उसे छीन लेंगे। आपको क्या लगता है, सरकार पीओके को इंडिया में शामिल करवा पाएगी या नहीं? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों। देखा आपने कि पाकिस्तान की नेवी और इंडिया की जो नेवी है उसका कंपैरिजन के पाकिस्तान की नेवी और इंडिया की नेवी में अगर हम कंपैरिजन देखें तो भाई इंडिया की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान की नेवी की अगर हम बात करें तो इनके पास तो जितनी इंडिया के पास चीज़ें हैं, आईएनएस विक्रांत हो गया और मतलब कि हर वो चीज़ मौजूद है जो कि नेवी के पास होनी चाहिए, हर वो चीज़ मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की नेवी के पास तो वो सब कुछ है ही नहीं, और इवन दो आई थिंक आईएनएस विक्रांत जैसी भी कोई टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद नहीं है। और अभी जो है वो चाइना के साथ जाके कुछ ही थोड़ा बहुत करने वाले हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ तो पाकिस्तान में जो नेवी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो नेवी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया जितना दूसरी चीज़ों पर किया गया है, और जबकि इनको करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम बंगाल को देख लें तो बंगाल में भी उस टाइम पर जो है 1971 की वॉर में भी तो यही सब हुआ था, उस टाइम पर भी तो हमारे पास यही चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से हम फंस गए थे, और इंडिया के पास मौजूद था तो इसलिए इंडिया बच गया, इंडिया ने जो है वो करवा लिया, मतलब खुद जीत गया जंग। तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम इंडिया को देख लें तो इंडिया के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो भाई इंडिया के पास जो जो चीज़ें मौजूद है ना इस वक्त, उसके हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि चाइना हो गया और मतलब कि वो कंट्रीज़ जो कि अच्छी खासी डेवलप कंट्रीज़ है उनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनकी आर्मी नेवी ये चीज़ें बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। तो नेवी तो नो डाउट इंडियन बहुत अच्छी है, और मतलब कि उन्होंने पहले से ही प्री प्लान करके रखा हुआ है कि कहाँ पर उनको क्या चीज़ करनी है और कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस हिसाब से अब आईएनएस विक्रांत आप देख लो, आईएनएस विक्रांत और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इन्होंने जो है वो बनाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से जो है भारत की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा अगर मतलब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें इन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात कि अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो चाइना से खरीद रहा है उसका तो कोई भरोसा ही नहीं, कहते ना चाइना की चीज़ पे तो कोई भरोसा होता भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको जो है वो नुकसान दे सकते हैं, कभी भी आपको जो है वो छोड़ सकते हैं पीछे और जो है ना वो कभी भी ख़राब हो सकती है। तो बाकी अगर हम देखें तो इंडिया के जितने भी बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर भी देखें तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने सिस्टम बना रखा है नेवी के हिसाब से भी। और अगर हम वॉर की बात करें तो भाई पाकिस्तान अगर इंडिया से करता है ना तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ बोलते हैं मुँह से, लेकिन जब रियल में होगा तो देन रियलाइज़ होगा कि हम लोग कितने पीछे हैं इंडिया से, बिकॉज बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है और हम सिर्फ बोल सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पर अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो सारा इंडिया के इस वक्त इंडिया काफ़ी स्ट्रांग है इस मामले में। सो दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छा कंपेरिजन किया गया है और इसमें हमें पता चला कि भाई पाकिस्तान के पास क्या है, इंडिया के पास क्या है और दूसरी कंट्रीज़ के पास क्या है। सो काफ़ी अच्छा था, तो आप लोग भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।